मैं नहीं रहती इस दुनिया में। ये मेरा आप लोगों से लास्ट ऑब्जेक्शन है मेरा, अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का एक वीडियो सामने आया है। 38 सेकंड के इस वीडियो में एक्ट्रेस रोते बिलखते दिख रही हैं। उन्होंने दो बार कहा कि मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा। मैं नहीं रहती इस दुनिया में। ये मेरा आप लोगों से लास्ट ऑब्जेक्शन है मेरा, अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है। कुछ नहीं मेरे को, अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है बस। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत एक अनसुलझी कहानी बनकर रह गई है। भोजपुरी एक्ट्रेस ने सुसाइड क्यों किया, इस पर से पर्दा अभी तक नहीं उठ सका है। केस में आरोपी समर सिंह और संजय सिंह जेल में हैं। बुधवार को इस कहानी में एक नया मोड़ तब आ गया जब आकांक्षा की मां मधु दुबे के लॉयर ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो आकांक्षा दुबे का है। 38 सेकंड के इस वीडियो में एक्ट्रेस रोते बिलखते दिख रही हैं। उन्होंने दो बार कहा कि मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार समर सिंह होगा। वह कह रही हैं कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया है, बस इतना पता है कि अब मैं नहीं रह रही इस दुनिया में। ये मेरा आप लोगों के साथ लास्ट बातचीत है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार समर सिंह है। फिर अगले कुछ सेकंड तक एक्ट्रेस रोती रहती है और फिर वीडियो खत्म हो जाता है। ये वीडियो इंस्टाग्राम रील का है। ये वीडियो कब का है ये नहीं पता। समर सिंह और उसका दोस्त संजय सिंह जिला जेल में बंद है। दोनों पर आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बीते 27 मार्च को सारनाथ थाने में केस दर्ज किया गया था। इससे पहले 26 मार्च की सुबह आकांक्षा दुबे सारनाथ क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में मृत पड़ी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से एक्ट्रेस की मौत की बात पुलिस ने कही है। वहीं आकांक्षा की मां ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। समर सिंह बीते 13 अप्रैल से कस्टडी रिमांड पर था। पुलिस ने पूछताछ में कई राज उगलवाए हैं। समर सिंह से पूछताछ करने वाली टीम में शामिल पुलिस कर्मियों के अनुसार अब तक की कार्रवाई के दौरान पर्याप्त एविडेंस और तथ्य मिले हैं। पूछताछ के दौरान समर सिंह ने बताया कि वह और आकांक्षा लगभग 20 महीने तक एक दूसरे के करीब रहे। बीते 3-4 महीने से दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। इसके बाद कामकाज के सिलसिले में ही फॉर्मल बातचीत होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।